गलती जिस दिन बन्ना गुप्ता करेगा, मजबूती के साथ कहेगा कि हाँ मैंने गलती किया। भाई हमको आपके चेहरे पर कोई गंदगी दिखाई पड़ी, मैंने रुमाल निकाल के उसको साफ करने का काम किया है। अब आप अपने चेहरे पर वो गंदगी चिपकाए रखना चाहते हैं तो जो देखेगा वो कहेगा कि साहब आपका चेहरा गंदा है। जीवन में मैं संघर्ष करके आया हूँ, किसी की बदौलत नहीं आया हूँ, और कोई माई कलाल नहीं है जो मुझे जो है अच्छे काम बढ़िया काम करने से रोक। अरे ठीक है बनिया है, लेकिन बकरी का बच्चा थोड़े है कि कोई मेरा गला मेरा सर डालेगा और ले जाकर जेल में बंद कर देगा और हम बोलेगा ओके। कौन गरीब है, कौन कमज़ोर है, कौन पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ है, तो ऐसे ऐसे गरीब अगर झारखंड में दिखाई पड़े तब तो गरीबी की परिभाषा ही बदल जाएगी साहब। कोई अपने आप को गरीब कहता है तो इससे मन में आता है कि हम लोग ये बता दें कि आप कितने गरीब हैं, आपने कितनी संपत्ति कहाँ कहाँ रखी है, क्या किया। मैंने एक बहुत साधारण चीज़ उठाया था, भाई हमारे जो नियम कानून है उस नियम कानून के हिसाब से सरकार नहीं चलेगी, और सरकार के मंत्री अपने ही विभाग के नियम का उल्लंघन करेंगे, कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मानेंगे तो अराजकता हो जाती है ऐसी स्थिति में। अब मंत्री हैं विभाग के, इनके पास 60 लोग हैं इनका जो पर्सनल स्टाफ, अब ये सुनकर ही लगता है कि भाई एक मंत्री के पास कितने स्टाफ होंगे, इसके बारे में तो बताया हुआ है, लिखा हुआ है, कैबिनेट कोऑर्डिनेशन का, कार्मिक विभाग का सर्कुलर है, ये सारी चीज़ें हैं। खैर चलिए 60 हैं। अब इन सभी ने कोरोना का हमने काम किया, इसके लिए पैसा ले लिया। मैंने कहा कि ठीक नहीं है, क्योंकि जो सर्कुलर निकला था, कैबिनेट जो निर्णय लिया था, उसमें साफ दिया हुआ है कि कौन कौन व्यक्ति इसकी सुविधा ले सकता है, और ये भी लिखा है कि जो इस श्रेणी में नहीं आता है उसको ये नहीं मिलेगा। अब इन लोगों ने अपने विभाग के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी से लिखवा लिया कि ये भी इस श्रेणी में आता है और ले लिया उसको। सिंपली मैंने सरकार का ध्यान खींचा था कि ऐसे लोग अगर जो पैसा लिए हैं उसको वापस लौटा देंगे तो एक अच्छी परंपरा इस राज्य में बनेगी। मगर हमारी बात सुनने के बदले में, कल छुट्टी का दिन था, बैसाखी था, महावीर जयंती थी, बाबा राव अम्बेडकर की जयंती थी, उस दिन लोगों ने कल ऑफिस खोला है, खोल कर दिन भर इससे जुड़ी हुई फाइलों को देखा है, और शाम को एक छोटा सा अपना वक्तव्य सरकार की ओर से दिया है। ऐसी क्या अफरा तफरी थी भाई, इन लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बंद है ऑफिस और सोमवार को मुख्यमंत्री फाइल को सीज कर ले, जांच करा दे, तो कल बैठकर उससे छेड़छाड़ किया कि नहीं, ये तो फाइल के देखने से पता चलेगा। मगर एक अजीबोगरीब गरीब हरकत इन लोगों की हो रही है। मैंने तो केवल ऐसे मामले को उठाया है जिसमें लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है। अब इस पर तूफान मच गया है और मुझे लगता है कि मैंने लिखा है मुख्यमंत्री को, अब मुख्यमंत्री जी इस मामले को कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, ये उन पर निर्भर है। तो हम लोगों के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, अब स्वास्थ्य मंत्री इसमें कोई मुद्दा नहीं है, मुख्यमंत्री मुद्दा है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनकी सरकार में जो गलत काम हो रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है, उस गलत काम को रोके। अब आज मंत्री जी की प्रतिक्रिया आई है कि मैं ऐसे मामले उठाते रहता हूँ। भाई हमको आपके चेहरे पर कोई गंदगी दिखाई पड़ी, मैंने रुमाल निकाल के उसको साफ करने का काम किया है। अब आप अपने चेहरे पर वो गंदगी चिपकाए रखना चाहते हैं तो जो देखेगा वो कहेगा कि साहब आपका चेहरा गंदा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग ढंग से काम करें, और इस चीज़ों को खींच कर राजनीति में ले जाते हैं, कौन गरीब है, कौन कमज़ोर है, कौन पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ है, तो ऐसे ऐसे गरीब अगर झारखंड में दिखाई पड़े तब तो गरीबी की परिभाषा ही बदल जाएगी साहब। कोई अपने आप को गरीब कहता है तो इससे मन में आता है कि हम लोग ये बता दें कि आप कितने गरीब हैं, आपने कितनी संपत्ति कहाँ कहाँ रखी है, क्या किया है, मगर हर चीज़ कहना ठीक नहीं लगता है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि जो मुद्दा भ्रष्टाचार का है, अनियमितता का है, उसमें कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, कौन धनी है, इस बात की दिशा में सारे मामलों को ले जाने के बदले में वे अपने गलत कामों को ठीक कर दें और राज्य के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा इनका। सर सोमवार से सब कार्यालय खुल जाए तो क्या ये कुछ राज्य जाके मंदिर से मिलेंगे?
नहीं, मैं तो हूँ नहीं, मैं 10-12 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर। हमारे विधानसभा समिति का टूर जा रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों में, मगर संबंध संपर्क तो बना ही रहेगा। अब किससे मिलना है, सारे कागजात हमने दे दिया है, बाकी जो है वो फाइल में है। मुख्यमंत्री जी फाइल निकलवा दें स्वास्थ्य विभाग से और देखें कि भाई स्वास्थ्य विभाग में जो रहनुमा है हमारे क्या किया है। कल एक विचित्र वक्तव्य दिया है कि जो भी हम लोगों ने किया है वो सक्षम प्राधिकार के आदेश से किया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब एक विभाग में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है? सबसे ऊपर का अथॉरिटी तो मंत्री ही होता है। अब मंत्री कहे कि हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेश से ऐसा किया है, तो इसका मतलब कि दाहिना हाथ बाएं हाथ को आदेश दे रहा है और दाहिने हाथ का आदेश बायां हाथ पालन कर रहा है। ये स्थिति है। कल बहुत गलत काम किया इन लोगों ने। ऐसी छुट्टियों के दिन ऑफिस खोलकर और फाइलों को देखकर पता नहीं क्या छेड़छाड़ किया, क्या हटाया, क्या रखा उसमें से, मगर खुदा न खास्ते वो सारे कागजात फाइलों के मेरे पास पहले से मौजूद हैं। ये मामला 20 दिन पहले मेरे पास आया था, मैं उसको देख रहा था अलग अलग एंगल से कि भाई ये इसमें कुछ भी गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा इसी बात उठा दूँ फिर वापस लेना पड़े। तो देखिए क्या होता है। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in